नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ में फिर दोस्त। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भरतपुर में अवैध रूप से चल रहे जच्चा बच्चा केंद्रों पर की कार्रवाई, चिकित्सा विभाग द्वारा जुर्हरामी की कार्रवाई। सिवाना में भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों को 16 सीटों की घोषणा, 9 सीटों को लेकर मंथन जारी। अब डालते हैं खबरों पर एक विस्तृत नजर। भरतपुर जिले के कस्बा जुरहरा में अवैध रूप से चल रहे जच्चा बच्चा केंद्र के खिलाफ चिकित्सा विभाग की कार्रवाई की गई, जिसमें कस्बे के राजकीय अस्पताल के सामने गली में अवैध रूप से चल रहे शर्मा क्लिनिक पर चिकित्सा विभाग की टीम पुलिस की मौजूदगी में पहुंची, जहां पर शर्मा क्लिनिक जहां अवैध रूप से जच्चा बच्चा केंद्र का संचालन किया जा रहा था, चिकित्सा विभाग की टीम ने शर्मा क्लिनिक को सील कर दिया। जुरहरा के चिकित्सा अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चिकित्सा विभाग को शर्मा क्लिनिक की एक शिकायत राजस्थान जनसंपर्क केंद्र के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिस पर BCMHO के आदेश अनुसार आज शर्मा क्लिनिक पर कार्रवाई की गई और उसे सील कर दिया गया। कार्रवाई में नरेश यादव, गिरिराज सिंह, देवकांत पाराशर सहित अन्य चिकित्सा स्टाफ मौजूद रहा। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के अनुसार सुखपाल सैनी और महेंद्र बघेल के द्वारा प्राप्त शिकायत हुई थी, तो उसके तहत आज दिनांक 25 मार्च को एक टीम का गठन करकर डॉक्टर नरेश यादव, श्री गिरिराज सिंह नर्स ग्रेड फर्स्ट, श्री देवकांत पाराशर एएनएम सेकंड एंड हेमलता एएनएम की टीम गठित करके मौके पर इनको भेजा गया है। यहाँ पर शर्मा क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चालू पाया गया है और टीम ने मौके पर पहुंचकर उसको सील कर दिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए हम अपने उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश के अनुसार आगे करेंगे। सर, कस्बे में और भी अवैध रूप से जो केंद्र हैं, जच्चा बच्चा केंद्र कह सकते हैं उन्हें, वो चल रहे हैं, उसके बारे में चिकित्सा विभाग का क्या कहेंगे उसके बारे में? उनके बारे में अभी हमको कोई शिकायत मिली नहीं है। सर, कई बार जुरहरा अस्पताल पर लिखित रूप में शिकायत आ चुकी है, नहीं इसकी कोई सूची नहीं। सिवाना में लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों की 16 सीटों की घोषणा हो चुकी है, बाकी 9 सीटों को लेकर अभी मंथन जारी है। 9 सीटों में सबसे चर्चित बाड़मेर जैसलमेर की सीट को लेकर है, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर घोषणा अभी तक नहीं की गई। वहीं उससे पहले कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ शनिवार को जयपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं से मुलाकात कर टिकट की मांग की, तो भाजपा राजस्थान के कई लोकसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प सभा की जा रही है। वहीं बाड़मेर जिले के सिवाना उपखंड में विजय संकल्प सभा हुई। वहीं भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस सभा में लोगों में जोश व उत्साह देखा गया है। मैं समझता हूं कि लोगों के मन में यह है कि वह समय नजदीक आ जाए, 29 अप्रैल को एक बार विधानसभा चुनाव का बदला ले ले और देश के तख्त पर पुनः नरेंद्र मोदी जी को बिठा दे, ऐसा जोश व उल्लास दिखाई दे रहा है। इस बात को लेकर लोगों में उत्साह तो दिखाई दिया, लेकिन इस सभा में कर्नल सोनाराम चौधरी का रैली में नहीं आना कई सवाल खड़े करता है और आने वाले दिनों में भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं मान सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। गौरतलब है कि कर्नल सोनाराम चौधरी ने 2014 में कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बाड़मेर जैसलमेर के बाद लोकसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद 2018 में विधानसभा का चुनाव बाड़मेर से हार गए, उसके बाद ही लोकसभा सीट दावेदारी को लेकर तरह तरह के कयास लगा जा रहे थे। सभा हो रही है, उसमें हमारे बहुत ही अजीज और हो रही है। आज बाड़मेर जिले की ये आम सभा सिवाने में हुई है और मैं समझता हूँ जिस
उल्लास और उत्साह के साथ सभा के अंदर लोगों में जोश देखा गया है। लोगों के मन में एक ही तमन्ना है कि वो समय नजदीक आ जाए 29 अप्रैल को एक बार विधानसभा के चुनाव का ब्याज से बदला ले लें और देश के तख्त पर पुनः नरेंद्र मोदी का आरूढ़ कर दें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार।